अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आलिया मलिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब मैं आ चुकी हूँ सवात, और सवात से हमारा टूर है मालम जब्बा का। तो हम लोग सब जा रहे हैं मालम जब्बा। जब्बा है, जब्बा है क्या है सही नाम? तो हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो आप लोग को साथ रहना है, वीडियो को बिना स्पीड किए देखना है और साथ साथ मेरे एंजॉय करना है। अगर आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो अपनी यादें ताज़ा कर लें, अगर आप लोग यहाँ नहीं आए तो मेरे साथ कॉल करना है। आप लोग को एंजॉय। और मैं कैसी लग रही? और बाकी के लोग भी निकल चुके हैं। ये हमारे बुलबुल पांडे हैं और ये हमारे चुलबुल पांडे, ये दोनों पांडे ही लग रहे हैं। और शब्बीर अपनी बेगम को तैयार कर रहे हैं मालम जब्बा के लिए। हम लोग आए हुए सवात हॉलीडे होटल में और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और खाना कुछ हमारे घर का है, कुछ हमने यहाँ से ऑर्डर किया है। माशाल्लाह यहाँ का खाना भी अच्छा है, तो दिखाते हैं खाना। हाँ भाई कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा लग रहा है। खाना बहुत वीआईपी है, बकरा वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है। अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम चाय आ जाए ना तो रोटियां लपेट ले। वासी की रोटियां डाल रही है। आई मिस यू वासी। वासी को नाम करने वाला था। हम लोग जो ना लग बैठेंगे रोटी चाय से, उसके नाम जब ही रुकी है मिलकर बोलेंगे चाय। तालियां। बहुत पत्ती कड़क चाय हॉलीडे होटल की। और हम बैठे हुए सवात में। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं घूमने और यहाँ देखें, यहाँ ब्यूटी पार्लर खुल चुका है। अलीना तैयार हो रही हैं और ये हमने स्पेशली पार्लर से बुलाई है मिस शाजिया। और ये हया तैयार हो चुकी हैं, बिस्मा भी तैयार हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। बिस्मा और ये फौजिया चेक कर रही हैं अपने आप को कि मैं कैसी लग रही हूँ। उस्मा कैसा फील हो रहा है तैयार होके सुबह सुबह? बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह के 6 बज रहे हैं, हम लोग को निकलना है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नाश्ता करने जा रहे हैं अभी। नाश्ते नाश्ते के लिए जा रहे हैं, नाश्ते पे जाएंगे उस। और ये है आलिया मलिक। कैसी लग रही हूँ मैं? सही लग रही हूँ? तो मिलते हैं नाश्ते पर। चले भाई, नाश्ता आ चुका है हमारा। ये देख, पराठा है, छोलों का सालन है, अंडे हैं, चाय। और सब लोग खाने में मसरूफ हैं। दानिश ने अभी रास्ता निकाला। और जनाब ये देखिए, हम निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। बहुत ही खूबसूरत मंज़र और सफ़र था। और सुबह सुबह हम 6 बजे निकल गए थे क्योंकि शाम 5 बजे हमें आना था वापस, अंधेरा हो जाता है। और ये देखते जाए आप हसीन नज़ारे। आलिया मलिक टाइम क्या था सुबह निकलने का? 6 अभी तो बताया 6 बजे का। हाँ देखा तो जनाब, आलिया मलिक को आता है गुस्सा, मैंने दूसरी दफ़ा टाइम क्या पूछ लिया। हाँ तो भाई बता दिया 6 बजे, तो दोबारा पूछ रहे हैं 6 बजे। अच्छा तो फोकस करें सफ़र पे। सफ़र बहुत ही अच्छा गुजरा। कितना लंबा सफ़र था? याद नहीं है यार, मस्तियों में पता ही नहीं चला कितना लंबा सफ़र था, पर लंबा था। 2-3 घंटे का तो होगा। हाँ इतना लंबा तो था, लेकिन पता इसलिए नहीं लगा क्योंकि रास्ता बहुत अच्छा था। बर्फ़, पहाड़ और इंसान, घर, पौधे,
गाड़ी रास्ते में सभी कुछ आया, गधा नहीं आया लेकिन कराची वाला। नहीं यार मैं गधे की एंड तक वीडियो में रह गई, मैंने पूरे में घूम कर भी आ गए वहाँ के गधे, इतने मासूम और मतलब बहुत अच्छे गधे हैं वहाँ के यार, मतलब शक्ल भी उनकी अलग है गधों की। सीरियसली मैं ले नहीं पाई, अगर मेरा दोबारा जाना होगा तो मैं वहाँ के गधों की वीडियो लाजमी बनाऊंगी। हम गधे की वीडियो बनाने के लिए जाएंगे जाएंगे हाँ। अच्छा यहाँ पर गधों की बात हुई मुकम्मल, वहाँ के कौवे कैसे थे? कौवे भी यार, कौवे भी अजीब नस्ल के थे, मतलब कराची जैसे कौवे नहीं थे, एकदम काले सिया कौवे, मुंह इतना चुन्ना सा, मतलब कहाँ के कौवे थे? सवात के कौवे थे ना। तो सवात के कौवे भी काले, मुझे लगा घोरे कौवे होंगे। नहीं नहीं अजीब, मतलब जानवर भी वहाँ, कुत्ते भी अलग नस्ल के थे, प्यारे प्यारे से कुत्ते। अच्छा हम नज़ारे पे फोकस करते हैं, यहाँ जानवर भी निकले। नहीं भाई हम तो सारी चीज़ें देख रहे थे, अब बार बार थोड़ी जाना होता है ऐसी जगहों पर। हाँ तो आप अगर जाएं तो वहाँ के कुत्ते कौवे और गधे देखते हुए जाएं। गधे मुझे बहुत ही भाई क्यूट लगे, मासूम मासूम। और यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो गई थी हाँ, लेकिन हमने उनको लिफ्ट बिल्कुल भी नहीं दी, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी में खुद इतना रश है। अभी दिखाते हैं, ये देखें कहाँ बिठाते हैं उनको। और रश के अलावा गाड़ी बहुत मुश्किल से बर्फ़ पे चल रही थी, फिर गाड़ी रोकी, फिर गाड़ी में वो एक चेन लगती है पहियों में ना, व्हील में, तो वो चेन लगाई हमने रुक कर। अब मैं आ चुकी हूँ वादी सवाद मालम जब्बा, और ये देख सकते हैं आप कुदरती नज़ारा, और यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, आपको नज़र आएगी, ये देखें बर्फ। और आप लोग को आलिया मलिक के साथ करना है बहुत सारा इन्जॉय, और ये देखें कुदरत के नज़ारे माशाल्लाह। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ रहना, सर्दी बहुत है और सर्दी की वजह से बोला नहीं जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और हाथ मेरे सुन हो चुके हैं। और अगर आप लोग यहाँ आ चुके हैं तो अपनी यादें फिर से ताज़ा कर लें, और जो लोग नहीं आए उन लोग को रहना मेरे साथ साथ, ताकि वो लोग भी आलिया मलिक के साथ इंजॉय कर लें। तो ये देखें बर्फ़ ही बर्फ़ है मालम जब्बा, बर्फ़ ही बर्फ़ और कुदरती नज़ारे। बहुत सर्दी है खबर जो है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखें और ये देखें हसीन नज़ारे, मेरे साथ साथ हसीन नज़ारे भी देखें। बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई चारों तरफ, मालम जब्बा में बहुत बर्फ़ है। हाँ जो, और मेरा कैमरामैन मेरे साथ साथ है, वो आपको दिखा रहा है सारे व्यू। मुझे अंदर चली गई है। चले भाई भाभी की फरमाइश पे दिल में मैंने बना दिया है भाभी और भाई का नाम, ये देख सकते हैं जे और एस, ठीक है भाभी देख लेना। ये देखें यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, हसीन तरीन माशाल्लाह, और बाकी कुदरत नज़र आ रही है हमें। वहाँ खड़ी है मेरी फैमिली सारी, सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ठंडे। बस
बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही हसीन नजारे। ये है हमारा पाकिस्तान, खूबसूरत तरीन मुल्क पाकिस्तान। ये देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आलिया मलिक भी जिंदाबाद। और यहाँ चेक करें ज़रा मेरी बहन के स्लोमो, इतनी बर्फ़ में वो घुसी हुई है। और अब आएगा उनका चेहरा, पूरी बर्फ़ में घुसी हुई है वो। ये देखें बर्फानी रीच। जंग लड़ो, जंग लड़ो। और ये मेरी फैमिली का स्लोमो, चेक करें ज़रा आप। ये देखिए भाई, इतराना देखे हमारा। चले जनाब, हम निकल रहे हैं यहाँ से मालम जप्पा से अपने होटल के लिए। गाड़ी हमारी आ चुकी है, तो मिलते हैं। अच्छा जी, अब हम निकल चुके हैं वापसी घर जाने के लिए, मतलब अपने होटल में। और साथ साथ दिल नहीं चाह रहा था जाने का, मतलब हाँ, क्योंकि नज़ारा इतना खूबसूरत हाँ। था, और मतलब हर चीज़ पे माशाल्लाह और सुबहान अल्लाह, बाकी कुदरत है अल्लाह ताला की, तो हसीन। और ये चीज़ें हमें कराची में देखने को तो मिलती ही नहीं है। हाँ। कराची में तो जो बात है, ठंडी तो नहीं मिलती देखने को। हमें वहाँ की हर चीज़ अच्छी लग रही थी। हाँ। और हर चीज़ है खूबसूरत सूरत। और यहाँ हमारी गाड़ी रुक गई थी ट्रैफिक में, फिर हमने ये देखे हसीन व्यू। लग रहा है ना प्यारा। ये दिखा दिया नजारा हसीन, ये देखे पहाड़ों से अबशार, कुदरत का हसीन नजारा। वीडियो तो एंगी है ये, तो इतना अच्छा लग रहा है ना। पेड़ में पानी आ रहा है ना, तो ये तस्वीर बना दो अभी। बहुत नया स्थान तो जनाब इसी के साथ करती हूँ आज का व्लॉग एंड। आई होप सो कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत 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 इंजॉय किया होगा, और इंजॉय किया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि आलिया मलिक ने आपको दिखाया है सवात की हसीन वादियाँ।